नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। विशेष में आज बात करेंगे ऑपरेशन सफेद जहर की। इस सफेद जहर से हर दिन आपका वास्ता पड़ता है। ये धीमा जहर आपको, आपके बच्चों को हर दिन बेमौत मार रहा है। इस सफेद जहर से बनी मिठाइयां, घी आपके खाने में मिलकर आपकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि राजधानी जयपुर से महज 40 किलोमीटर दूर सामोद इलाके में सफेद जहर का यह काला कारोबार खुलेआम धरले से चल रहा है। इसके बावजूद इस गोरख धंधे पर लगाम नहीं लग पा रही है। होली के त्योहारी मौसम में मिलावट का यह सफेद जहर कहीं आपकी खुशियों को भी बेरंग ना कर दे, इसलिए आप भी रहिए बेहद सावधान। क्योंकि अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं, यकीन मानिए वो आपके होश उड़ा देगा। जी मीडिया के कैमरे पर आज आपको दिखाएंगे कैसे तैयार होता है महज 5 मिनट में नकली घी। फिर आओ इलाज, इलाज में तो 2-4-5 हज़ार रुपये ले जाए और कहीं इलाज बोलो, वो इलाज तू दे चुके। सेहत के दुश्मनों से सावधान। जी राजस्थान पर बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सफेद जहर। राजस्थान में सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मिलावटखोरी का धंधा खूब फल फूल रहा है। डर है कि कहीं ये मिलावटखोर आपकी होली की खुशियों में मिलावट न कर दें। आज हम आपको जो कुछ दिखाने जा रहे हैं उससे अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे चंद मिनटों में घी माफिया तैयार कर लेते हैं नकली घी। इस खबर को दिखाने का मकसद महज इतना भर है कि आप सावधान हो जाएं। आप बाजार से घी खरीद रहे हैं और आपको असली घी की कीमत से वो कम कीमत में मिल रहा है, तो समझ जाइए कोई ना कोई लोचा है। हो सकता है वो घी नकली हो। जी राजस्थान के कैमरे में नकली घी के कारोबार का ऐसा गोरख धंधा कैद हुआ है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं वो ना तो घी का व्यापारी है और ना ही घी माफिया, लेकिन इस शख्स को नकली घी बनाने की तकनीक और विधि का पूरा ज्ञान है। जी मीडिया के कैमरे के सामने इस शख्स ने साझा किया कि कैसे मिलावटखोर आपके लिए नकली घी बना देते हैं। नकली घी बनाने के लिए घी माफिया नेचुरल फ्रेश वनस्पति घी या डालडा का उपयोग करते हैं। इस वनस्पति घी की मात्रा के अनुपात में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता है। देसी घी की खुशबू के लिए इसमें एक एसेंस की मात्रा डाली जाती है और देखते ही देखते महज 5 मिनट में नकली घी बनकर तैयार हो जाता है। आप भी देखिए लाइव कि कैसे तैयार होता है नकली घी। ये घी है और ये घी इस पात्र में गर्म करके डाला गया है। अब देख लीजिए, ये वनस्पति डालडा घी जिसे कहते हैं वो घी है और इसको अब ये शख्स जो मेरे सामने बैठे हैं ये इसको तैयार करेंगे। इसको देसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे अब ये देखिए कैसे ये जो डालडा घी है देसी बनता है। जरा बनाइए कैसे बनता है, जरा बना के दिखाइए एक बार, जरा बना के दिखाइए आप। मैं पूछूंगा आपसे एक बार बनाइए। ये आपके हाथ में है, ये क्या है? ये रिफाइंड तेल है और ये नीचे ये डालडा घी है। ये सोयाबीन का तेल है और ये इसमें डाला जा रहा है। वनस्पति डालडा घी है नीचे पात्र में और इस पीपी में है रिफाइंड तेल जो इसमें इसके अनुपात की तुलना में डाला गया है। और अब इसको इस चम्मच की सहायता से हिलाया जा रहा है और इसके बाद इसमें एक केमिकल यानी एक एसेंस क्या है ये जो डाल रहे हैं? ये एसेंस है, ये देसी घी की खुशबू बनाने के लिए। वनस्पति घी या डालडा का इस्तेमाल, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल, घी की खुशबू के लिए एसेंस की मिलावट, सोयाबीन तेल का इस्तेमाल,
आपने देखा कैसे महज 5 मिनट में नकली घी को बनाकर आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। नकली घी तैयार होने के बाद इसे नामचीन कंपनियों के पैकेट में पैक करके बाजार तक पहुंचा दिया जाता है। खास बात यह कि इस एसेंस को पशुओं की दवाई के उपयोग में भी लिया जाता है, लेकिन घी माफिया इसका इस्तेमाल नकली घी बनाने में कर रहे हैं। नकली घी ज्यादातर सर्दी के मौसम में तैयार किया जाता है ताकि आसानी से जम सके और डिब्बों में पैक किया जा सके। हालांकि सरकार के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस महकमा लगातार इन मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कुछ मिलावटखोर अब भी काला कारोबार कर रहे हैं। तो अगली बार अगर आप भी घी खरीदने जाएं तो इस बात का ख्याल जरूर रखें। देसी घी के पैकेट खरीदें तो उससे पहले देख लें घी के पैकेट के सीरियल नंबर अलग अलग मिलेंगे। अगर एक ही सीरियल नंबर है तो नकली घी, असली घी के रैपर और नकली घी के रैपर में अंतर होता है। छपाई के काम आने वाली स्याही में हल्के और गहरे का फर्क होता है। इस खबर को आपको दिखाने का मकसद आपको आगाह करना है कि अगर आप बाजार से घी खरीद रहे हैं तो अच्छी तरह से जांच और परख लें। प्रदीप सोनी, चौमू, जयपुर।